बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो कहा जाता है लाहौर के अंदर को दे प्लेड वेरी गुड क्रिकेट, बहुत अच्छी क्रिकेट खेले हैं और उनके प्लान जो हैं वो बड़े अच्छे एग्जीक्यूट कर रहे हैं। और सामा मीर की बात है तो पिंच हिटर इसलिए भी जब बीइंग ए लेग स्पिनर, हम ये सोच रहे थे कि राशिद खान को ज़्यादा अच्छे तरीके से काउंटर अटैक कर सकता है, ताकि अगर वो राशिद को अगर एक दो ओवर अच्छे खेल जाता और स्कोर कर देता उसके खिलाफ, तो आई थिंक इट वॉज अ पॉजिटिव मूव, क्योंकि एज ए लेग स्पिनर को खेलना आसान होता है। जी अस्सलाम वालेकुम मुशी भाई, दिस इज़ बैराम काजी फ्रॉम ग्रासरूट्स क्रिकेट। इधर तो शुरू में हमने देखा मुल्तान ने काफ़ी इनडिसिप्लिन बॉलिंग कराई, काफ़ी वाइड्स हो रही थी, बल्कि 14 एक्स्ट्राज हुए और काफ़ी लेग साइड पे बॉल जा रही थी, मगर लास्ट 5 ओवर में पकड़ लिया था लाहौर को, रिस्ट्रिक्ट कर लिया था 180 तक। तो यू नो मिड गेम क्या टॉक हो रही थी और कहाँ पर आपको लगता है मुल्तान आज मैच हारी इन द एंड? आई थिंक आपने बिल्कुल सही कहा कि पावर प्ले में हमने जो 7 ओवर किए रादर देन 6 ओवर, तो ये बड़ा डिफरेंस होता है। और उसके बाद आपने बिल्कुल सही कहा है कि फिर हमने वापस भी गेम में आए, आखिरी 6-7 ओवर बहुत अच्छे हमने किए। आई थिंक बिलिंग बहुत अच्छा खेला और उसके बाद अब्दुल्ला शफीक बहुत अच्छा खेला, उनकी पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट थी। उन्होंने असामा मीर जो हमारा जो विकेट टेकिंग था उसके ऊपर उन्होंने अच्छा चांस लिया और उसके ऊपर उन्होंने स्कोर भी किया, चांस लिया मतलब। और फिर हमें एहसानुल्लाह को जल्दी वापस लेके आना पड़ा ताकि अपने मेन स्ट्राइकर से आप स्ट्राइक कर सकें। तो ओवरऑल देखा जाए तो उन्होंने प्लान अच्छा किया होता था, उन्होंने आई थिंक टारगेट किया होता एक दो बॉलर्स को हमारे, जिसकी वजह पे उनको एक फाउंडेशन अच्छी तगड़ी फाउंडेशन मिल गई थी। तो आई थिंक क्रेडिट गोज टू देम डेफिनेटली। मुश्ताक भाई, पिछले मैच में भी देखा कराची के अगेंस्ट मुल्तान बड़ा स्कोर नहीं कर पाई, इस मैच में भी कोई बैटर उनके बेहतर परफॉर्म नहीं कर रहे, तो क्या बैटिंग की वजह से तो नहीं हाथ है? आई थिंक नहीं, ये बैटिंग का थोड़ा सा हमें ये एडवांटेज डिसएडवांटेज चले जाता है, क्योंकि रिजवान और शान ने इतनी ज़्यादा परफॉर्मेंस की हुई है, वो इतना लंबा लेके जाते हैं कि जो हमारे मिडिल ऑर्डर्स हैं ना उनको कभी आप देखा होगा पूरे टूर्नामेंट में लास्ट 2-3 ईयर्स उनको चांस नहीं, मतलब इतने ओवर नहीं मिल सके। तो अभी 2-3 गेमों में ये, बल्कि टूर्नामेंट में मैं तो कहता हूँ समटाइम पॉजिटिव चीज़ होती है, ये पॉजिटिव चीज़ ये होती है कि आपको अगर आपके दरमियान में पॉजिटिव कि आपके मिडिल ऑर्डर्स को चांस मिलता है और आप जीतते नहीं हैं, पर आने वाले मैचों के लिए वो बहुत आसान हो जाता है। सो आई थिंक रिजवान और शान का जो पार्टनरशिप है वो अगर थोड़ा लंबा जाते हैं तो उससे हमारे जो टेल मतलब मिडिल ऑर्डर्स हैं उनको बड़ा एडवांटेज जाता है। सो आई थिंक बैटिंग में हम कुछ चीज़ें लैक कर रहे हैं, वो इंशाल्लाह ताला प्लानिंग में उसको डिस्कस ज़रूर करेंगे। मुश्ताक भाई, ये बताइएगा कि लाहौर के अंदर जिस तरह से परफॉर्म कर रही है, क्वेटा ग्लेडिएटर्स को, इस्लामाबाद यूनाइटेड को यहाँ पेशकश दी, और शायकीन समझ रहे थे कि इस मुल्तान सुल्तान टक्कर की टीम है, क्या आज भी मुल्तान सुल्तान प्रेशर लेगी? नहीं, प्रेशर की बात नहीं, वो क्रिकेट अच्छी खेले हैं, उन्होंने अपने प्लान को अच्छा एग्जीक्यूट किया। मतलब जो उनकी लीडरशिप है, शाहीन को क्रेडिट देना चाहिए कि वो अपने बॉलर्स को बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल करता है और उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है, वो अगर 160-170 भी हो तो उनके पास ऐसी बॉलिंग है कि वो डिफेंड कर सकते हैं। बट मैं फिर बिलीव करता हूँ अपनी टीम के ऊपर कि अगर हम प्लान को थोड़ा एग्जीक्यूट कर लें, जैसे डेविड वीज़ा हैं या आपके सिकंदर हैं या कोई दूसरे जो उनके बॉलर हैं, आप कुछ उनको टारगेट करना पड़ेगा, उनको आपने मोर देन 10 रन्स पर ओवर जाना पड़ेगा ताकि शहीन के ऊपर या दूसरों के ऊपर प्रेशर बिल्टअप हो सके। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उनके ऊपर प्रेशर कर सकें। ऑल्दो शहीन इंजॉय कर रहा है पीछे खड़े होके, मगर इसको क्रेडिट जाता है कि इसने बहुत अच्छी लीडरशिप के साथ बड़ा अच्छा लड़ाता है अपनी टीम को, इसको क्रेडिट देना चाहिए। मुश्ताक भी, आपने लाहौर की बॉलिंग की बात की, अगर देखें तो सब कैंडिडेट की बात करें तो पूरे एशिया में इस तरह का बॉलिंग अटैक कहीं पे नहीं है, आपकी क्या राय है इस बारे में? किसके द्वारा बोले? अगर लाहौर की बॉलिंग अटैक के बारे में बात करें तो आपकी क्या राय है कि पूरे एशिया में अगर हम देखें तो इस तरह का बॉलिंग अटैक नहीं है? बिल्कुल आपने सही कहा कि इसमें देखें ना, आप शहीन को देखें, आप हारिस रऊफ को देखें, राशिद खान को देखें, और आपका सिकंदर इस वन ऑफ वर्ल्ड कप में उसने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, तो इनकी बॉलिंग तगड़ी है। बट हैविंग सेड दैट, अगर आपने कम्पीट करना है या टूर्नामेंट जीतना है तो आपको इनके साथ कम्पीट करना पड़ेगा, इनके साथ आपको पॉजिटिव क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, आपको आपकी स्ट्रेटजी बड़ी क्लियर होनी चाहिए कि हमें किसको लूटना है किसको नहीं लूटना। तो आई थिंक ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अगर एज ए टीम आप उसको क्लिक करते हैं और उसको एग्जीक्यूट अच्छा करते हैं तो आई एम श्योर कि आप चैलेंज कर सकते हो लाहौर के अंदर को, ऐसा नहीं है कि नहीं चैलेंज कर सकते, अल्लाह के फजल से।